मैं नहीं बैठूंगा अगली बार इसमें भाई, मैं बिल्डिंग से कूदने का बोल दूंगा कूद जाऊंगा, पर भाई इसमें नहीं बैठने वाला। तो गाइस पुष्कर रोड स्टार्ट हो चुकी है और हमेशा की तरह भाई यहाँ पे ट्रैफिक, और ये भाई साहब देखना किस जगह पे जाके ओवरटेक करके कहाँ पहुँचेंगे। आगे से भी गाड़ी आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। गाड़ी तो ले ली इतनी बड़ी, दिमाग भी होता है इतना बड़ा तो दिक्कत नहीं होती आपको जीवन में। से जो पुष्कर का, जो पुष्कर से मतलब घाटी से जो अजमेर सिटी का व्यू आता है ना भाई, क्रेजी भाई क्रेजी, अलग गजब लेवल का व्यू आता है। अभी हम यहाँ रुकेंगे और मुझे ना फोटो भी खिंचानी है थंबनेल के लिए दो तीन, तो दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। तो गाइज ये है पृथ्वीराज स्मारक है, ये भी शायद महाराणा स्मारक है, कोई स्मारक है ये भी। गाइज वी आर जस्ट अबाउट टू एंटर पुष्कर एंड बड़े दिनों बाद यहाँ पे आ रहा हूँ मैं। और भाई अब तो रास्ता इतना छोटा लगा मेरे को पुष्कर का, पहले जब हम लोग घर से आते थे ना ऐसा लगता था कि बताने कितनी ही दूर है भाई, और आज मुझे मनाली से पुष्कर आना उतना दूर नहीं लग रहा है। तो ये ना सारा माइंडसेट का और आपके एक्सपीरियंस की गेम होती है कि आप कितना ज्यादा ट्रैवल करते हो। और जिस हिसाब से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अभी राजस्थान कवर कर रहा हूँ, अब नेक्स्ट मैं जब भी फ्री होऊंगा ना भाई 100% इट हैज टू बी साउथ इंडिया। तो गाइस दिस इज पुष्कर एंड यहाँ आगे जाके मेला ग्राउंड है जहाँ पे आई थिंक पुष्कर फेयर भी चल रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग एकदम पुष्कर फेयर के टाइम पे आए हैं, और पुष्कर फेयर के टाइम पे ऑफकोर्स पुष्कर एक अलग ही लेवल पे होता है, तो वो चीज़ हम ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे ज़रूर, एंड आपको ब्लॉग में देखने को भी मिलने वाला है पुष्कर फेयर, तो जस्ट वेट एंड वॉच। तो गाइस ये है पुष्कर का मेन चौराहा, और पुष्कर अगर मेले आपको जाना है आप डायरेक्ट राइट साइड से हो और निकल जाओ, आप पुष्कर के मेले में पहुँच जाओगे। और अगर आपको पुष्कर सिटी के अंदर घुसना है तो आप सीधा सीधा चलते जाओ, जैसे मैप हमें दिखा रहा है हमारा है 600 मीटर दूर। और ओके भाई कहीं कोई भी किसी भी तरीके से कुछ भी रोक सकता है, कुछ भी कर सकता है, 1% का भरोसा ना कीजिए। और हमारा हॉस्टल है आगे जाके राइट, मुझे लगा पुलिस वाले भैया बोलेंगे और अय्या जी कहाँ जा रहे हो, और हम कहेंगे जा रहे हैं कहीं तो जा रहे हैं। तो गाइस हम मैं पहुँच गया हूँ, ये रहा पुष्कर सामने, और भाई आते ही हेरिटेज दिखाई दे रहा है और हिप्पी वाली वाइब आ रही है। ये देखो सारा एकदम कसोल टाइप लग रहा है मुझे, बस गर्मी में कसोल है ये, समझ रहे हो, बहुत ही प्यारी सी वाइब आ रही है। और अब मैं कॉल करता हूँ अपने जिनके साथ मेरा कोलैब है सो दैट वो आए हमें रिसीव करें, इधर बता देंगे भाई इस मंदिर के सामने खड़े हम। पुष्कर आते ही देखो क्या देखने को मिला है, पूरी ओल्ड पुष्कर वाइब है इधर, और इट इज़ सो क्रेजी भाई कैसे कर रही है देखो ये बैलेंस, बहुत ही ज़बरदस्त भाई। बड़े दिनों बाद राजस्थान आके मुझे खुद अच्छा लग रहा है। इस पुष्कर की रात में मैं सो के उठाऊँ ठीक है, और दिस इज़ द पुष्कर मार्केट और सामने पुष्कर फेयर चल रहा है तो मैं वही जा रहा हूँ इस टाइम पे, सो इट इज़ रियली नाइस, बड़ा बढ़िया होगा। तो मैं आपको पूरा पुष्कर फेयर दिखाता हूँ, पुष्कर फेयर अभी लगा हुआ है, अगर आप कोई पुष्कर आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। और पुष्कर मार्केट भाई बहुत सुंदर दिख रहा है यार। तो गाइस पुष्कर फेयर में आपका स्वागत है, और रात के बज रहे हैं 11, और रात के 11 बजे इतना लिट है भाई, बिल्कुल सही टाइमिंग पे पहुंचा हूँ अजमेर, इतना सही भाई। पुष्कर फेयर वर्ल्ड फेमस है भाई, वर्ल्ड फेमस, और बहुत कुछ होता है इधर भाई, रियली नाइस। पुष्कर फेयर में इतना सारे झूले हैं ना भाई, मैं तो देख के हैरान हूँ भाई, इतने सारे हैं ना, और एकदम लिट अप है भाई पूरा पुष्कर राइट नाउ, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। या तो ये वाला, या तो ये देखो ये भी एक है जिसमें लोग गोल गोल घूम रहे हैं, वाओ भाई। एक ये भी है सिंपल सा, इसमें तो कोई मज़ा नहीं है, इसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा मज़ा आएगा, और ये नया भी है, और वहाँ डांसिंग वो वाला भी है वो, और वहाँ पे एक वो भी है, अब डिसाइड करता हूँ मैं कौन सा लेना है, तो फिर देखते हैं। इतने सारे झूले हैं ना कि मैं गिनते गिनते परेशान हो जाऊंगा, बट ये झूले नहीं ख़त्म होंगे, मतलब देखो वहाँ पे 1, 2, 3, ओ भाई साहब भाई बहुत सही है यार, पुष्कर फेयर इज सीरियसली अमेजिंग। बड़ा क्राउड मुझे नहीं अच्छा लगा, बट बाकी जगह बहुत सही है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है देख के, इतने सारे वो है ना,
और कोई लिमिट ही नहीं है भाई, खत्म ही नहीं हो रहे वो, देखो वहाँ एंड तक है एकदम, वो देखो ये वाला, इट इज सो नाइस यार, मजा ही आ गया। इस वाले व्हील में जा रहा हूँ मैं, किस में बैठ जाए इसमें, ओके तो गाइस बड़ा सही लग रहा है भाई, मजा ही आ गया। ओए भाई देखो कैमल है भाई, अब लग रहा है राजस्थान आ गया हूँ मैं, कैमल दिख रहे हैं, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, और ऊपर से दिखेगा पुष्कर बेयर पूरी तरीके से अच्छे से। आंटी लोग बैठ गए, ये तो चिल्लाएंगी ना, मजा ही आ जाएगा देख के। ओ भाई वो देखो कितना ऊपर जा रहा है वो, हाँ भाई वही देख रहा हूँ अभी ऊपर चल गया है वो, देखो उन बंदों को कैसे, ओ भाई कितना सही लग रहा है यार, वाह सो जस्ट लाइक अ वाओ। ओ भाई साहब यार कितना अच्छा आ रहा है भाई, गाइस बहुत मजा आ रहा है देख के, बहुत सुंदर लग रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और अभी हमारे वाला ऊपर जाएगा, और जितना ज्यादा ऊपर जाएगा उतना ज्यादा मजा आएगा, पर उतनी ज्यादा फटती भी नहीं है मेरी। गाइस मैं नहीं बैठूंगा अगली बार इसमें भाई, मैं बिल्डिंग से कूदने का बोल दूंगा कूद जाऊंगा, पर भाई इसमें नहीं बैठने वाला। ओए भाई ये तेज कर रहा है भैया, धीरे कर लो भाई, मेरी बढ़ जाती है, मैं सच बोल रहा हूँ, झूले में नहीं बैठ सकता मैं, बाकी कुछ भी करा लो मुझसे, मैं ना अहमदाबाद से बाइक चढ़ा दूंगा, बट यहाँ तेज हो रहा है। नहीं हुए दिए इन्होंने अभी, और ये उतरेंगे कि मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा भाई, सच में डर लगता है यार मुझे सच में व्हील में मुझे डर लगता है भाई, क्योंकि तो इतनी हाइट में होता है ना मेरे को उससे डर, मतलब पहाड़ में ट्रैकिंग करने से डर नहीं लगेगा मुझे, चाहे जितनी मर्जी हाइट हो कहीं भी चले जाऊँ, बट भाई ये नहीं, ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है। ओ गॉड ये नहीं भाई, ये नहीं बनी है भाई, ये नहीं बनी बच्चे के साथ, जो तो मम्मी पापा अपने बच्चे को लेकर बैठे हैं ना, मैं भी भाई वो देखो क्या कर रहा है, कैमरा देख के कॉन्शियस हो गया ये शाहरुख खान। ओ भाई साहब है सब ये वाले में अकेले हूँ बिल्कुल ही, और वो देखो कितना सुंदर लग रहा है भाई, भाई पुष्कर फेयर इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एट नाइट, बहुत अच्छा लग रहा है, और 10:30 बज रहे हैं और अभी भी इतना लिट अप है, आप ये सोचो सबसे बड़ी बात ये है, पुष्कर फेयर इज राइट नाउ एट 10:30 ऑल्सो दैट लिट अप, वाओ मेरे को तो लाइट्स देख के मजा आ रहा है भाई, लाइट्स इतनी अच्छी लग रही हैं, और चल पड़ा भाई हमारा ये, वाओ नेक्स्ट तैयारी इसकी है, और मैं पहली बार बैठूंगा इस पे, इससे पहले कभी नहीं बैठा हूँ यार। पता है पुष्कर फेयर में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इट इज़ ओनली 50 rupees पर राइड एंड इट इज़ सो इकोनॉमिकल, बाकी जगह चले जाओगे ना आपको 100, 200, 300 से कम नहीं मिलने वाला है, बट इट इज़ सो इकोनॉमिकल, दिस इज बेस्ट यार, चलो लेट्स गो, चलो 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 लेट्स गो, चलेंगे ये घूमता है और ऊपर नीचे भी जाता है, तो इसमें चले जाएंगे अब, एंड ओनली 50 rupees यार, इट इज़ सो नाइस। भाई पुराने गाने इतनी फील्ड में चलाए हुए ना लोगों ने, सुन के ही मजा आ गया भाई, उस वाले में तो कभी ना जाऊं, ऊपर वाले में भाई हम नए वाले में बैठ गए, और इस वाले में पता नहीं कैसा लगेगा, बट आई होप अच्छा ही लगने वाला है, पता नहीं कौन है बगल में, देख लिया भाई अच्छे से बिना किसी प्रॉब्लम के, बढ़िया था, मज़ा आया, और भाई लास्ट वाले झूले में मेरी ज़्यादा सबसे ज़्यादा बैंड इसी ने बजाई, यहाँ क्या है भाई,
फाइनली रात के 1 बजे आया हूँ पुष्कर घाट में, और वहाँ देखो कितनी बढ़िया लाइटनिंग हो रही है। और मेले के बाद मैंने कुछ खाया थोड़ा बहुत, और फिर मैं थोड़ी देर ऐसे ही रेस्टोरेंट में बैठ के ही सो गया। और फिर ये देखो आप, कितनी तगड़ी लाइटनिंग है सारी, और वहाँ जाके गाना बज रहा है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। भाई रात में देखो पुष्कर सरोवर इतना खूबसूरत लग रहा है ना भाई, मज़ा आ गया देख के यार। सीरियसली इतना अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है। मतलब मैं डल लेक देखता हूँ, ये देखो यहाँ पे इंडिया का फ्लैग भी बनाते हैं लोग। तो देखो गाइस पूरे गांव के लोग यहाँ पे लेटे हैं, सो रहे हैं और गाने बज रहे हैं। इट इज़ रियली नाइस। ये ब्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने भाई यारों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मीट यू एट नेक्स्ट ब्लॉग। बाय।